जिन्ना विवाद आया तो बीजेपी ने अखिलेश को घेरा, अखिलेश चुप्पी साधे रहे, मुद्दा बदलना पड़ा। फिर हिजाब विवाद आया, ओवैसी ने कई बार अखिलेश यादव को ललकारा, अखिलेश यादव हिजाब पर भी कुछ भी बोलने से बचते रहे। अब तीसरे चरण के बाद आतंकवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी जबरदस्त घेर रही है, तो क्या इस बार भी पहले की तरह संयोग अखिलेश यादव बना पाएंगे? पहले तीन फेज का रिजल्ट जानना है क्या? जानना है? जरा जोर से बोलो, जानना है? मैं आपको बता देता हूं, इस सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ती है। भाई, सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के लोग चुनाव से पहले सब कुछ करेंगे। जब पहलवान हारने लगता है तो क्या क्या नहीं करने लगता, कभी उंगली खींच देगा, कभी दांत से काटेगा। दो बातें नोट करिए। पहली, उत्तर प्रदेश में जब चार चरण में 231 सीट पर वोटिंग बाकी है, तब जिन्ना अब्बा जान 80 बनाम 20 से होते हुए चुनाव आतंकवाद के मुद्दे तक आ चुका है। दूसरी बात है, जिस हरदोई में अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर पहली बार बयान दिया, उसी हरदोई में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद धमाके के आतंकियों का जिक्र करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश पर निशाना साधने के लिए बीजेपी ने पहले लाल टोपी को रेड अलर्ट बताया था, अब समाजवादी पार्टी की साइकिल के जरिए वार किया है। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे, और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आने। यूपी के चुनाव में गुजरात के अहमदाबाद धमाके का क्या काम है? जवाब ये कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान से दो दिन पहले अहमदाबाद धमाके के 14 साल बाद 38 दोषी आतंकियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई। बीजेपी आरोप लगाते हुए तस्वीर दिखाती है कि दोषी आतंकी मोहम्मद सैफ के पिता शादाब का संबंध अखिलेश यादव से रहा है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिनके जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। अखिलेश यादव आतंकवाद को साइकिल से जोड़े जाने पर ट्वीट करके इसे जनता के मुद्दों से जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री की साइकिल के साथ ही तस्वीर अखिलेश ट्वीट करते हैं। मुद्दा साइकिल नहीं है, मुद्दा आतंकवाद और राष्ट्रवाद, जिसकी पिच पर बीजेपी अब तक कई मैच जीतती आई। अब तक तो अखिलेश यादव ने जिन्ना, अब्बा जान और हिजाब पर हर मुद्दे के चक्रव्यूह को अपनी चुप्पी से तोड़ना चाहा। क्या इस बार ऐसा हो पाएगा? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।